तो साक्षी भाव में जीना महासूत्र है शाश्वत आनंद को पाने का। साक्षी भाव का अर्थ होता है विटनेसिंग, यानी देखना। साक्षी भाव में जीने के विज्ञान का सार है कि इस अस्तित्व में आपकी हैसियत सिर्फ देखने वाले की है, करने वाले की नहीं है। यू आर ओनली ए सीयर, नॉट ए डूअर। साक्षी भाव में जीने का अर्थ है कर्ता भाव का विसर्जन, यानी आप सिर्फ चीजों के देखने वाले हैं, साक्षी मात्र हैं, कर्ता नहीं है। कर्ता भाव का क्या अर्थ है? कर्ता भाव का अर्थ है इस अस्तित्व में जो कुछ स्वतः हो रहा है उसको ऐसा मान लेना कि हमारे करने से हो रहा है। यही सबसे बड़ा ज्ञान है, यही सबसे बड़ी अविद्या है। इसी को अध्यात्म जगत में अविद्या, अज्ञान, तमस और मूर्छा की संज्ञा दी गई है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि प्रज्ञा पुरुष वही है जो साक्षी भाव में जीते, कर्ता भाव में नहीं, साक्षी भाव में जीते। लेकिन इसका अर्थ अकर्म नहीं है, इसका अर्थ है कर्मों को करते हुए भी इस भाव से करना कि जैसे मैं करने वाला नहीं हूं, मैं तो सिर्फ माध्यम भर हूं, मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र हूं, सब कुछ मेरे से कराया जा रहा है, मैं तो बांस की पोली पोंगरी हूं, जो सुर निकल रहा, जो संगीत निकल रहा वो उसी का है। अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं ये कैसे हो सकता है? अगर मैं बाण नहीं चलाऊंगा तो युद्ध कैसे होगा? अगर मैं करूंगा नहीं तो चीजें कैसे घटित होंगी? और चूंकि मेरे करने से ही चीजें घटित होती हैं, इसलिए करने वाला तो मैं ही हूं। और कितना भी समझाते रहे भगवान कृष्ण, अर्जुन की समझ में नहीं आया। अर्जुन जब नहीं समझ पाए तो भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम विकर्म की अवस्था को अच्छी तरह समझ लो, तब तुम्हें साक्षी की अवस्था का बोध होगा। विकर्म यानी जीवन के विशेष महत्वपूर्ण कर्मों को समझो। जीवन के विशेष महत्वपूर्ण कर्मों की समझ आ जाएगी तब साक्षी भाव का सत्य तुम्हारे प्राणों में उतर सकेगा। विकर्म क्या है, विशेष महत्वपूर्ण कर्म क्या है, तुम्हारे जीवन के विशेष महत्वपूर्ण कर्म कौन से? तुम्हारे जीवन के विशेष महत्वपूर्ण कर्म है तुम्हारी श्वासें चल रही हैं। तुम्हारी श्वासों को चलाने वाला कौन है? क्या तुम, क्या तुम्हारे चलाने से श्वास चल रही है? अगर तुम्हारे चलाने से श्वास चल रही है तो तुम एक बार श्वास रोक कर देखो, क्या तुम श्वास को रोक सकते हो? तुम्हारी क्षमता है कि तुमने श्वास लिया और श्वास रोक लो? नहीं, तुम श्वास को रोकोगे पूरी ताकत लगा के, लेकिन इसके बाद भी कोई है धक्के मार मार के तुम्हें, तुम्हारे श्वास को बाहर निकाल देगा। और तुम श्वास को भीतर ले जाने से रोक दो, तब कहो कि अब मैं श्वास बाहर फेंक दिया हूं, अब नहीं लूंगा, कितनी देर नहीं ले पाओगे? लगेगा कि कोई है जो धक्के मार मार के तुम्हें, तुम्हारे भीतर श्वास ठेल रहा है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा ये पलकें तुम्हारी झपक रही है, तुम इनको झपकाते हो? नहीं, तुम्हारे शरीर में 24 घंटे खून संचरित हो रहा है, योर ब्लड इज सर्कुलेटिंग 24/7। खून को दौड़ाने के लिए क्या करते हो? स्वतः चल रहा है। रोटी खाते हो खून बन जाती है, रोटी को खून बनाने के लिए क्या करते हो? स्वतः। खाना खाते हो, खाना खाने को पचाना पड़ता है, खाना ना पचे तो मर जाओ, खाने को पचाने के लिए क्या करते हो? स्वतः पच रहा है। यानी इस विराट ब्रह्मांड, इसमें करोड़ों अरबों ग्रह उपग्रह नक्षत्र तारे लट्टू की तरह लटके हुए हैं, 3 अरब से भी अधिक इस सूरज से बड़े बड़े सूरज इस ब्रह्मांड में लटके हुए हैं, आग के गोले हैं। सारे ग्रह उपग्रह अपनी धुरी पर निरंतर चलायमान है, कोई एक दूसरे से टकराता नहीं। जाड़ा आए, गर्मी आए, बारिश आए, अपनी व्यवस्था चल रहे, तुम्हारे लाने से चल रहे। बच्चा गर्भ में आता है 9-10 महीने के बाद उसे भीतर नहीं रोक सकते हो? रोक सकते हो? नहीं। और पैदा होने पर उसकी जवानी रोक सकते हो? बुढ़ापा रोक सकते हो? मौत रोक सकते हो? कुछ भी तो नहीं रोक सकते। फिर किस बात के करता हो तुम?
लेकिन कहते हो बच्चे को पढ़ाया मैंने, कहते हो दुकान बनाई मैंने। अरे जो तुम्हारे बच्चे को बना सकता है, तुमको बना सकता है, वही तुम्हारी दुकान भी बनवा रहा है। तुम तो उसके हाथ पर हो। तुम साक्षी भाव का सत्य अगर तुम्हारे प्राणों में आ जाए तो जो कुछ भी तुम्हारी जिंदगी में अच्छा बुरा होता है तुम्हें लगता है, तो तुम्हें पता चलेगा कि ये तो करने वाला कर रहा है, इसमें तुम्हारा कोई जोर नहीं, ये निर्धारित है। तो जो निर्धारित है, जो होना ही है, जो अपरिवर्तनीय है, वो हो रहा है। तुम्हारी हैसियत सिर्फ देखने वाले की है तो चिंता किस बात की, तो दुख किस बात का। जब तुम क्रिकेट का खेल देखते हो तो तुम सिर्फ दृष्टा हो, देखने वाले हो। कोई आउट हो रहा है तुम्हारा क्या जोर है, कोई छक्के लगा रहा है तो भी तुम्हारा क्या जोर है। तुम साक्षी हो। साक्षी होकर अगर रह सको जिंदगी में तो जो भी तुम्हारी जिंदगी में होगा उसके प्रति तुम्हारे प्राणों में सर्व स्वीकार का भाव आ जाएगा, राजीनामा आ जाएगा, क्योंकि तुम्हारी हैसियत सिर्फ उसको स्वीकार भाव में लेने की है। रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा, अंतर्द्वंद खत्म हो जाएगा, कला खत्म हो जाएगी, विवाद खत्म हो जाएगा, संघर्ष खत्म हो जाएगा, संघर्ष शून्य अवस्था में हो जाओ। जो सर्व स्वीकार भाव में आ जाता है वो साक्षित्व में जीने लगता है। जो सर्व स्वीकार भाव में आ जाता है, बीइंग इन ए मोड ऑफ टोटल एक्सेप्टेंस, उसके जीवन में समर्पण घटित होता है। साक्षी विज्ञान का सार कहता है, नदी सागर की ओर जा रही है, तुम्हें करना कुछ नहीं, सिर्फ नदी के साथ एक हो जाना। उसके साथ एक होते ही तुम सागर में पहुंच जाते हो। तैरना नहीं है, नदी पर सवार हो जाना है। यह है साक्षी भाव के सत्य की समझ के आते ही समर्पण घटित होता है। और समर्पण परम धर्म है, समर्पण धर्म का पर्याय है। और ये समर्पण तुम्हारे जीवन में घटित हो गया तो सच्चे अर्थों में धर्म तुम्हारे जीवन में स्वतः आ जाएगा। मेरी धार्मिकता का सार है, शिथिल और सहज हो जाओ, बी लूज एंड नेचुरल। जब भूख लगे तो खाना खा लो, प्यास लगे तो पानी पी लो, गंगा जा रही है सागर की ओर, सरिता में सवार हो जाओ। बीइंग इन कॉन्फ्लिक्ट फ्री स्टेट ऑफ माइंड, संघर्ष शून्य हो जाए जीवन, तो तुम्हारे भीतर साक्षी की प्रज्ञा प्रवेश करती है। और जब साक्षी की प्रज्ञा प्रवेश करती है तो तुम अस्तित्व की ऊर्जा के साथ बहने लगते हो, अस्तित्व की ऊर्जा के साथ स्पंदित होने लगते हो। तुम्हारा तार अस्तित्व की ऊर्जा से जुड़ जाता है। कैसे जुड़ जाता है? जैसे मैंने संजीवनी क्रिया में बताया था कि जब जीवन ऊर्जा मूलाधार से ऊपर सहस्रार की ओर जाती है, सहस्रार से जब एनर्जी का, ऊर्जा का डिस्चार्ज होता है, स्खलन होता है, तो वह अस्तित्व की ऊर्जा के साथ एक हो जाती है। और जब तुम साक्षी भाव में जीने लगते हो, वही घटना घटती है तुम्हारे जीवन में। तुम्हारी जीवन ऊर्जा अस्तित्व की ऊर्जा के साथ एक होने लगती है। जो साक्षी भाव में जीता है, अस्तित्व की ऊर्जा के साथ उसकी ऊर्जा के तार जुड़ जाते हैं। इसी को हम महासमाधि की संज्ञा देते हैं। यही समाधि की अवस्था है, अस्तित्व की ऊर्जा के साथ एक हो जाना। जब दो व्यक्तियों की ऊर्जा स्पंदित होती है, उससे जो संभोग की और क्षणिक सुख की अवस्था पैदा होती है, वही अवस्था जब व्यक्ति की ऊर्जा अस्तित्व की ऊर्जा के साथ साक्षी भाव में जीने के माध्यम से एक हो जाती है, तो तुम्हारी ऊर्जा समग्र अस्तित्व की ऊर्जा के साथ स्पंदित होने लगती है। और वही महामुद्रा की स्थिति, वही परम संभोग की स्थिति, जिससे परम आनंद प्रकट होता है, जिससे आत्मज्ञान प्रकट होता है, जिसे आत्म साक्षात्कार प्रकट होता है, जो निर्वाण की स्थिति है, वह आपको साक्षी भाव में जीने से उपलब्ध हो जाती है।